नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत दास कॉलेज रायपुर। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल एलजेब्रा के अंतर्गत जो एडिशनल ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यह जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस के पेपर 2 से लिया गया है। यह हमारा इस यूनिट का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था रिलेशनल एलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन, और यह हमारा आज का थर्ड जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे रिलेशनल एलजेब्रा के जो एडिशनल ऑपरेशंस होते हैं। बेसिक रिलेशनल एलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके अलावा हमने देखा था रिनेम ऑपरेशन। तो ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनके अलावा अब जो हम डिस्कस करेंगे ये एडिशनल ऑपरेशंस होते हैं रिलेशनल एलजेब्रा के। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनल एलजेब्रा के एडिशनल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। रिलेशनल एलजेब्रा में 4 एडिशनल ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है इंटरसेक्शन, दूसरा होता है ज्वाइन, तीसरा होता है डिवीजन और चौथा होता है असाइनमेंट। ज्वाइन में हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल ज्वाइन की बात करेंगे, एडिशनल ऑपरेशन में हमारे पास सिर्फ नॉर्मल ज्वाइन होता है। रिलेशनल एलजेब्रा के मुख्य ऑपरेशन जो थे वो कौन कौन थे? सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिनेम ऑपरेशंस। इसके अलावा जो हमारे पास जो एडिशनल ऑपरेशंस है वो है सेट इंटरसेक्शन, नेचुरल ज्वाइन, डिवीजन एंड असाइनमेंट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, सर्वप्रथम हमारा ऑपरेशन हम देखते हैं जिसका नाम है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस ऑपरेशन यूनियन ऑपरेशन की तरह ही होता है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वहां पर सारे वैल्यू को लिया जाता है, परंतु सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन में केवल और केवल दो रिलेशनशिप के बीच में उन्हीं को लिया जाता है जो उनकी जिनकी वो एक फील्ड क्या हो, कॉमन हो, जो फील्ड क्या हो, कॉमन हो। यानी कि दोनों में से इस ऑपरेशन में दो रिलेशन में से कॉमन टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब हम उस कॉमन टपल्स को सेलेक्ट करते हैं तो उस कॉमन टपल्स के अकॉर्डिंग अगर हमने रिलेशनशिप 1 और रिलेशनशिप 2 में से एक कॉमन टपल्स को हमने सेलेक्ट किया तो रेस्ट ऑफ जो फील्ड है रिलेशनशिप 2 के वो भी नए टेबल में मर्ज हो जाते हैं। इसके लिए दो स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं। पहला होता है कि जो एट्रीब्यूट है वो सेम होने चाहिए। दिस टू रिलेशन शुड हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट की जो नंबर्स है वो संख्या जो है वो सेम होना चाहिए। एंड करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट इन टू रिलेशन हैव द सेम डोमेन। सेम शर्त जो था हमारे किस में था, यूनियन ऑपरेशन में था, वही सेम शर्त किस में है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन में भी पाए जाते हैं। इंटरसेक्शन को सिंबल से दर्शाया जाता है। यहाँ नोटेशन हमने दिखाया है सिंबल्स R1 इंटरसेक्शन R2। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे, दो ऑपरेशन लेंगे, दो रिलेशनशिप लेंगे और उन दोनों रिलेशनशिप में से उसे हम देखेंगे जिन दोनों रिलेशनशिप में जो एट्रीब्यूट का नेम कॉमन हो। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, वी आर कंसीडर द टू टेबल, फर्स्ट इज द बारोवर एंड सेकंड इज द डिपॉजिटर। बारोवर और डिपॉजिटर टेबल को हम कंसीडर करते हैं। इन दोनों टेबल को देखते हैं, दोनों टेबल कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला, दोनों टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है, दो ही है, और दोनों टेबल में नंबर ऑफ डोमेन, दैट मीन्स उनके टपल्स जो है वो भी सेम है, यानी कि 3-3 है। इन दैट कंडीशन ये दोनों टेबल हमारे लिए सुटेबल है इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने की जो बेसिक कंडीशन है उसको यह फॉलो करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट ऑपरेशन के द्वारा इंटरसेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें कस्टमर का नेम बारोवर टेबल से और कस्टमर का नेम डिपॉजिटर टेबल से दोनों से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, कस्टमर का नेम दोनों टेबल में कॉमन था, दोनों टेबल में कस्टमर का नेम नाम का एट्रीब्यूट कॉमन था। तो इस कंडीशन में अब इनमें से केवल और केवल वही टपल्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो दोनों में
कॉमन हो। इंटरसेक्शन में दोनों टेबल में से जो कॉमन वैल्यू है केवल उसी को सेलेक्ट किया जाता है। यूनियन ऑपरेशन में पूरे को कंबाइन को सेलेक्ट किया जाता है दोनों का, परंतु इंटरसेक्शन ऑपरेशन में केवल और केवल उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि इस रिलेशनशिप में देखिए, राम कस्टमर नेम बारोवर टेबल में भी है और डिपॉजिटर टेबल में है। इसी प्रकार से सुलेमान बारोवर टेबल में भी है और डिपॉजिटर टेबल है, अर्थात हम उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं जो बारोवर और डिपॉजिटर दोनों में है। अब यहाँ पर देखिए राधेश्याम, राधेश्याम किस में है? डिपॉजिटर में है बट बारोवर में नहीं है। इसी प्रकार श्याम जो है डिपॉजिटर बारोवर में है परंतु डिपॉजिटर में नहीं, यानी दोनों दोनों में नहीं है, इसलिए उसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर केवल और केवल वही सेलेक्ट होगा जो दोनों रिलेशनशिप में कॉमन हो। तो इसके लिए शर्त क्या था? सबसे सर्वप्रथम शर्त यह था कि दोनों टेबलों में एक एट्रीब्यूट डोमेन एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए और नंबर ऑफ डोमेन सेम होने चाहिए, पहला कंडीशन। उसके पश्चात इनकी जो वैल्यू है टेबल जो है वो कैसे सेलेक्टेड होंगे? केवल और केवल वही सेलेक्ट होंगे जो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट ऑपरेशन है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। किस प्रकार का ऑपरेशन है? यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। ज्वाइन ऑपरेशन इज यूज टू ज्वाइन द ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन का उपयोग ऑपरेशंस को ज्वाइन करने के लिए, दो रिलेशन को आपस में ज्वाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंबाइन कार्टिशियन सेलेक्शन एंड कार्टिशियन प्रोडक्ट इनटू वन ऑपरेशन। यहाँ पर हम कार्टिशियन सेलेक्शन तथा कार्टिशियन प्रोडक्ट दोनों को एक साथ इसमें उपयोग में ला सकते हैं। इसे कार्टिशियन प्रोडक्ट को इस प्रकार के सिंबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ज्वाइन ऑपरेशन में हम कार्टिशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करेंगे और उसके ऊपर हम सेलेक्ट ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। नेचुरल ज्वाइन फॉर्म ए कार्टिशियन प्रोडक्ट इज टू आर्गुमेंट्स परफॉर्म ए सेलेक्शन फॉर इन इक्वलिटी ऑफ दोज एट्रीब्यूट दैट अपीयर इन बोथ रिलेशन स्कीमा फाइनली रिमूव द डुप्लीकेट। यहाँ पर ज्वाइन ऑपरेशन में हमारे पास दो टपल्स हमें लेना है, दोनों टपल्स के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट होंगे और यदि उनका डेटा मैच हो रहा है तो आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा, परंतु यदि डेटा की डुप्लीकेशन हो रहा है तो उसे यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। फाइनली रिमूव द डुप्लीकेट, हम पहले डेटा मैच करेंगे, डेटा मैच करने के पश्चात अगर हमें लगता है कि कोई डेटा दो बार आ चुका है, डुप्लीकेट है, इस प्रकार की डेटा है, तो यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन में उसे रिमूव कर दिया जाता है और केवल उसे एक बार ही लिया जाता है। नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइंस की तरह ही होता है, परंतु इसमें अंतर यह होता है कि इसमें डुप्लीकेट कॉलम को हटा दिया जाता है। यदि हमारा कॉमन एट्रीब्यूट का डेटा मैच करता है तो उन टेबल के करस्पॉन्डिंग में जितने भी डेटा होंगे वो एक टेबल में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नेचुरल ज्वाइन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल ज्वाइन में यदि दो टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट होंगे और यदि उनका डेटा मैच होगा तो हमें आउटपुट में हमें उनका टपल्स मिलेगा। दोनों टेबल के कॉमन एट्रीब्यूट का डेटा मैच होना चाहिए। दूसरा, यदि कॉमन एट्रीब्यूट में डेटा मैच कर जाता है तो उन टपल्स के करस्पॉन्डिंग जितने सारे भी डेटा होंगे वो हमें प्राप्त होंगे और वो एक नए टेबल में मर्ज हो जाएगा। परंतु इक्वी ज्वाइन के कंडीशन में क्या होता था कि ज्वाइन हो तो जाता था लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू उसमें स्टोर रहती थी, लेकिन नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगा, हम उसे रिमूव करेंगे। हम देखते हैं इस एग्जांपल की सहायता से, जहां पर दो टेबल हम ले रहे हैं बारोवर और लोन टेबल। यहां पर देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं नेचुरल ज्वाइन को, बारोवर और लोन टेबल में नेचुरल ज्वाइन को अप्लाई किए, जिसके लिए हमने क्यूरी लिखा सेलेक्ट बारोवर लोन नंबर, बारोवर से कौन सा लोन नंबर इक्वल टू लोन नंबर बारोवर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा लोन, यानी कि यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट एज वेल एज सेलेक्शन ऑपरेशन दोनों का हमने उपयोग किया है, लेकिन दोनों में मैच कौन सा हो रहा है बारोवर का लोन नंबर, कौन मैच हो रहा है बारोवर का लोन नंबर। यहां पर देखिए राम कितना था L13,
श्याम एल 30, सुलेमान एल 42। इसके अकॉर्डिंग जो इनका जो नया फील्ड है जिसका नाम कौन सा था अमाउंट, वो इस टेबल में मर्ज हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो जाए राम दो बार होता या श्याम दो बार होता तब की कंडीशन में क्या होता, केवल एक ही बार ये सेलेक्ट होता। यानी नेचुरल ज्वाइन में हम दोनों टेबल की डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों टेबल की डेटा को ज्वाइन करके एक नए टेबल में हम मर्ज कर सकते हैं। इस टेबल में हमने देखा कि हमारे पास जो पहला बारोवर नाम का जो टेबल था उसमें केवल दो फील्ड था और लोन नाम के टेबल में भी दो फील्ड था, लेकिन दोनों में एक कॉमन फील्ड था जिसका नाम था लोन नंबर। तो हमने इसे नए टेबल में मर्ज कर दिया जिसमें कस्टमर नेम, लोन नंबर और अमाउंट तीनों चीज एक साथ आ गया। तो इसे कहते हैं नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन। अगला है सेट डिफरेंस ऑपरेशन। सेट डिफरेंस ऑपरेशन को जो हिंदी में हम कहते हैं भाग के साइन से दर्शाया जाता है, डिवीजन साइन से दर्शाया जाता है। इट यूज फॉर द क्यूरी दैट इंक्लूड फॉर द फर्स्ट फॉर ऑल। यह उस क्यूरी के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें हमें सभी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो जो बैंक है, हमें उस कस्टमर को सेलेक्ट करना है जिनके जितने सारे भी बैंक के ब्रांच हैं उन सब में उसका अकाउंट है। फॉर ऑल डिवीजन ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है फॉर ऑल में। या मुझे उस टीचर को सेलेक्ट करना है जो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता है, फॉर ऑल। या मुझे उस स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जो सारे टीचर उसे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से फॉर ऑल की कंडीशन के लिए हम डिवीजन ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। डिवीजन ऑपरेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों यह बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि इसमें भी दो रिलेशनशिप का उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल में हम इसे सीधे लागू नहीं करते। क्यों सीधे लागू नहीं करते, क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन डायरेक्ट लागू नहीं होगा, बल्कि इसके लिए सेलेक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, इस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को हम परफॉर्म करने के पश्चात उसका फाइनल रिजल्ट दे पाते हैं। अगले एग्जांपल में हम देखते हैं डिवीजन ऑपरेशन में किस प्रकार से होती है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द कस्टमर हु हैज़ द अकाउंट इन द ऑल द ब्रांचेस सिटी आगरा, मुझे उस फाइंड द कस्टमर हु हैज एन अकाउंट इन ऑल ब्रांचेस इन ब्रांच सिटी आगरा। आगरा नाम के सिटी में एक से अधिक ब्रांच हो सकते हैं किसी बैंक के। अब उस आगरा नाम के सिटी में जितने सारे भी ब्रांच हैं, मुझे उस कस्टमर को फाइंड आउट करना है जिनका अकाउंट सारे ब्रांच में है। फॉर ऑल आगरा के सारे ब्रांच में जिनका अकाउंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले लिया कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के साथ कौन सा, ब्रांच नेम। डिवीजन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम किसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच नेम, जिसका ब्रांच सिटी मैच हो किसके साथ, आगरा के साथ। तो यहां पर देखिए डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होने करने के लिए हमने सब क्यूरी चलाया, वो कौन सा था, ब्रांच सिटी इक्वल टू आगरा और ब्रांच। तो ब्रांच नेम के साथ इनका सिलेक्शन किया गया। टेबल के फॉर्म में हम इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशन है आर और एस, दो रिलेशनशिप है आर और एस। जो आर नाम का रिलेशनशिप है उसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट है जिसमें से ए बतलाता है कस्टमर का नेम और बी बतलाता है ब्रांच का नेम। दूसरा जो रिलेशनशिप है हमारे पास उसमें केवल एक ही फील्ड है जिसमें क्या बतलाता है, ब्रांच, सिर्फ और सिर्फ जो बी है वो क्या बताएगा, ब्रांच। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रीवियस जो ऑपरेशन देखे थे उसमें हमने कहा था कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो है, संख्याएं जो है वो बराबर होनी चाहिए, यानी दोनों टेबल में बराबर होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। अगर पहले टेबल में दो है तो दूसरे में दो, लेकिन इसके लिए सेट डिविजन के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर कोई अनिवार्यता इस प्रकार की नहीं रहेगी कि रिलेशनशिप वन में जो टेबल की एट्रीब्यूट है वो दो है तो रिलेशनशिप टू में भी दो रहेगा, यहाँ पर इस प्रकार की अनिवार्यता नहीं। अब हमें इन दोनों में से फाइंड द कस्टमर हु हैज एंड द अकाउंट फॉर द ऑल ब्रांचेस ऑफ द बैंक, हमें उस कस्टमर को सेलेक्ट करना है जिनकी सारी ब्रांचेस में अकाउंट है। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि टेबल बी में हमारे पास ब्रांचेस कितने हैं, केवल वन और टू, अर्थात इसमें हमें वह सेलेक्ट करना पड़ेगा
उस कस्टमर को जिनका वन और टू दोनों में ब्रांच है, यानी कि एक कस्टमर का वन और टू में भी होना चाहिए, दूसरे का भी वन और टू में होना चाहिए। तो इस टेबल को गौर करते हैं, पहला आर टेबल को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि वन किसमें है। वन जो ब्रांच है उसमें अल्फा कस्टमर भी है, बीटा भी है, गामा भी है, जीगा भी है, देयर एग्जिस्ट भी है, तो इस प्रकार के डिफरेंट कस्टमर है, परंतु हमें ये देखना है कि वो क्या ब्रांच टू में भी है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कि केवल अल्फा ही ऐसा है पहले में, जो पहला और दूसरे में है, इसके अलावा। अब बीटा में आते हैं, तो बीटा ब्रांच वन में भी है और बीटा ब्रांच टू में है, अर्थात अल्फा और बीटा दो ऐसे कस्टमर हैं जो ब्रांच वन और टू दोनों में है, परंतु रेस्ट ऑफ जितने सारे कस्टमर है वो या तो केवल एक ही ब्रांच में है या किसी अन्य ब्रांच में है, जैसे 3, 4 और 6 में है, परंतु 1 और 2 दोनों में नहीं है। तो हमारा रिजल्ट कौन आएगा? अल्फा और बीटा। इस पूरे टेबल में केवल अल्फा और बीटा ऐसे दो कस्टमर हैं जो कि ब्रांच 1 और 2 दोनों में उनका अकाउंट है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइनमेंट ऑपरेशन का उपयोग जनरली हम तब करते हैं जब कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करने के पश्चात उसके रिजल्ट को किसी दूसरे रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं, यानी राइट साइड के किए हुए ऑपरेशन को लेफ्ट साइड की जो वेरिएबल है उसमें हम असाइन करना चाहते हैं, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए एरो साइन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आर और एस दो रिलेशनशिप के बीच में हमने एक सेट डिफरेंस ऑपरेशन का उपयोग किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको टेम्प वन में हमने डाल दिया। इसी प्रकार से टेम्प टू के अंदर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें आर और एस के बीच में सेट डिफरेंस, उसके बाद जो पहला का रिजल्ट जो मिला था उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद उसका सेट डिफरेंस ऑपरेशन। इस प्रकार के डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया और परफॉर्म करके उसको किस में डाल दिया हमने? टेम्प टू में। अब टेम्प वन और टेम्प टू की माइनस, या माइनस का मतलब उसके जो ऑपरेशन था सेट डिफरेंस ऑपरेशन, उसे हमने परफॉर्म करने के बाद हमने किस में डाल दिया? रिजल्ट के अंदर डाल दिया, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म होने के पश्चात उसे किसी दूसरे रिलेशनशिप में असाइन करना ही असाइनमेंट असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा इस यूनिट का तीसरा लेक्चर हुआ जिसमें हमने एडिशनल ऑपरेशन के बारे में, रिलेशनल अलजेब्रा के एडिशनल जो ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। एक रफ समरी फिर से हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा। पहले इंटरसेक्शन देखा, इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है? इंटरसेक्शन में कॉमन जो वैल्यूज़ होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ज्वाइन में दो टेबलों को आपस में ज्वाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिवीजन ऑपरेशन से हम डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर ऑल के लिए इसका उपयोग करते हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस है, सपोज दैट उसमें से एक ऐसे कस्टमर को चॉइस करना जिनका सारे ब्रांच में अकाउंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग वैल्यू को असाइन करने के लिए, दैट मीन्स एक या दो रिलेशनशिप के द्वारा अप्लाई किए गए ऑपरेशन को किसी अन्य रिलेशनशिप में डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।